गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय मासी। आज की वेरी वेरी सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी है और मैं सबसे पहले अपने भगवान को थैंक यू बोलूँगी, मेरे मस्तान बाबा को थैंक यू बोलूँगी कि आपकी वजह से इतना अच्छा दिन देखने मिला। कल रहमान बाबा का बहुत अच्छा दर्शन हुआ और अब ख्वाजा जी जाने की तैयारी है। देखियो, कल मैंने डाला था मेरे ख्वाजा जी की छट्टी आ रही है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि कहते हैं ना, पूरे साल में जब एक बार ख्वाजा जी जाने का टाइम आता है ना, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो एक अलग सी अंदर से एक अंदरूनी खुशी होती है। प्लस जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का काम आया कि मैम हमें मारण क्रिया करना है, ये करना है। मैं देखो सबसे एक बात बोल रही हूँ, आप मुझे कितनी भी बार बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, मैं मिलने का काम नहीं करती हूँ। और एक बात याद रखिए, ये जो लोगों ने भी जो हरकत की है, कल से उन लोगों के ऊपर उल्टी गिनती चालू हो गई है। ऐसी बात है। और आज शनिवार है, आज भी मारण क्रिया का है। देखिए, अभी कल तो कहते ना एकाक बड़े लोगों का काम आया है, अब धीरे धीरे सबका इस तरह से काम आएगा। सबसे बड़ा बात कि काले कानून ने अपना कायदा चालू कर दिया है। आप चाहे हड़ताल करो, चाहे गाड़ियां रोक दो, कोई फ़ायदा नहीं। एक नए रोड का उद्घाटन हो चुका है जहां से गाड़ियां जाएंगी, मतलब कहते हैं ना सी ब्रिज जैसा चालू है, जहां से इन लोगों ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि नॉर्मल गाड़ियां जो जाएंगी बड़े लोगों की, कोई ट्रक कोई ऐसी टेम्पो तो वहां से जाएगी नहीं कि एक्सीडेंट का सवाल उठता है, जो जिनको करना है करो। अभी एक ऐसी जिद हो गई है अपनी सरकार की कि उन्होंने कल ये तो कहा है अपने भाषण में कि माँ बहन की गाली मत दो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना कानून लागू करेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। ये बात सोचिए, मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है, रास्ते में सब जगह हाईवे जाम है तो लोग बरोबर सब जगह पहुंच जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। तो इस बात से मैं तो हार मानने वाली नहीं हूँ सब, क्योंकि मैंने कुछ अभी देखे कल की परसों की बात है, मालवणी में बाकायदा ड्रग्स की फैक्ट्री मिली है। बाकायदा मालवणी में ड्रग्स की फैक्ट्री मिली है। आप देख लीजिए, चेकनाका से लेकर मालवणी तक इतने ज़्यादातर अमाल्द पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, कोई बात नहीं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो मैंने देखा है कि कल मैं मार्केट भी गई थी तो मीरा रोड ये सब जगह पे सारे रास्ते के, अभी आपको क्या बोल रही हूँ, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है ना, और इन्हें पता है कि अब पब्लिक कुछ भी करेगी, इसलिए इन्होंने उसके पहले जितना हो सका है पब्लिक का नुकसान करना चालू कर दिया है। सारे रोड के भाजी वाले ये वाले सबको हटा दिया है, किसी को भी रोड पे एक भी दुकान लगाने की इजाज़त नहीं है। कि नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि ये अब ये चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ये सब करना है, अगर आपको रोड पे सब्जी लगाना है, आपको रोड पे गाड़ी चलाना है, तो आपको हमारे कायदे कानून मानने पड़ेंगे। ऐसी बात है, मतलब जैसे एक बच्चा जिद करता है ना कि तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी, वैसे ये हमारी सरकार है और ये अपनी बात मनवाने पर लगी है। हमारे माननीय जज चंद्रचूड़ जी भी कल उन्होंने भी ये फैसला लिया, लेकिन मैंने अभी जो पूजा शुरू की है, आज शनिवार है, आज शाम को मैंने सोचा 100, मैं हर शनिवार को माँ काली को नींबू का हार चढ़ाती हूँ, अरे 108 माँ काली को हार चढ़ेगा दुश्मनों के नाम पे, और लौंग की माला चढ़ेगी। आप बहुत कम जनों को बताएगी लौंग की माला की हार अगर काली माँ को चढ़ गई, और उस एक एक लौंग पे, अगर एक एक लौंग पे कम से कम नहीं कुछ तो भी जितना भी एक एक हज़ार मंत्र भी काली माँ का करके उसका हार बना के अगर माँ को चढ़ गया, तो ये बात तो पक्की है कि सामने वाला नहीं बच सकता। बहुत सारे जनों को बहुत कुछ बोलने के बाद भी बहुत सारे जन हम पर सब पर नज़र रखते हैं, लोगों के परिवार पर नज़र रखते हैं, बहुत सारे लोगों की वजह से लोगों के परिवार में झगड़े झंझट हो जाते हैं, लेकिन इन लोग में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं। मैं तो अभी मैंने क्या कहा है, मैंने अभी अपना काम वैसा चालू किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से बैठे बैठे अपना पूजे का काम करती हूँ। बीच में भी हमने बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब की थी, जिसकी वजह से उनका धंधा पानी खाने पीने के वांदे हो गए थे। आप लोग दूसरों के परिवार में सब लोग ध्यान देते हो, दूसरों के परिवार को बर्बाद करने को सोचते हो, जब तुम्हारा परिवार बर्बाद होगा और तुमको खाने पीने के वांदे होंगे, तो मैं देखना चाहती हूँ तुम लोगों को कौन ला के देता है। ऐसी बात है। तो आज का स्पेशल पूजा बस इन लोगों को, कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेतागिरी घुसी है ना, वो नेतागिरी बाहर निकालनी है, और
आने वाले 20 तारीख तक, आज कितनी तारीख हो गई है 13, 7 दिन में विद्या देवी वो करके दिखाएगी जो शायद पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे इंडिया ने किसी ने नहीं सोचा होगा, पूरे गोराई ने किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये करके दिखाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये पूजे का, ये हवन का ही प्रताप है कि इतना बड़ा फैक्ट्री मिला गया। मतलब आप सोचो, अब ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री तैयार हो गई है और डर किसी को नहीं है। डर क्या होता है, कैसे होगा? हमारी सरकार ये सब बात पे थोड़ी ध्यान देगी कि ड्रग्स से बच्चे मर रहे हैं, या आज 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया ट्रक ड्राइवर रास्ते पे खड़े, क्योंकि उन्हें पता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा कितना दिन खड़े रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। क्योंकि हमारे यहाँ तो, मैंने कल बताया आपको, मैं कल भी रहमान बाबा सब जगह जाके, सारे रास्ते पे गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं, ऐसी बात है। कल हमारी सरकार आए भी, क्या बोलते हैं, उद्घाटन करके चली भी गए, और हमारी पब्लिक, सबसे बड़ी गलती हमारी पब्लिक की है, सबसे बड़ी गलती पब्लिक की है। पब्लिक सिर्फ देखने के लिए उमड़ती, जैसे पहले सर्कस में कैसे जोकर को देखने के लिए लोग उतरते थे कि कैसे जोकर कैसा शेर आता है, वैसे उतर के हम कहते ना, इंसान अपने घर से हारता है, बाहर वालों से क्या हारेगा। एक तरफ तो उल्टी बातें करेंगे और एक तरफ देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि उस भीड़ में लोगों को सवाल करना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था कि ये काला कानून चालू किया, इसका क्या करना चाहिए, आप इसके लिए कुछ बात करो, ये क्या है, आप उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हो जो हमारे पब्लिक के साथ रोज के साथ हो रहे, क्या रहेगा ये, अभी आपको समझ में नहीं आएगा पूरी पब्लिक को। जो लोग वहाँ पे देखने उपड़ी थे, आपको पता है अभी क्या हो गया है, बाइक सवार, एक बाइक सवार भी अगर किसी का एक्सीडेंट करता है, एक बाइक से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो भी 3 साल की सज़ा है और 25,000 जुर्माना जगह पे है। अभी आप सोचो डेली बाइक से कितने जन का एक्सीडेंट होता है, अभी जब 10-12 जन सब जेल में जाएंगे और ये सब होगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा, अभी कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसी बात, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मैं सारे ड्राइवर को बोलूँगी जो पर्सनल प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीलर वालों को, कि आप लोग भी ना सोच समझ के चलाओ। मैं भी जिनके साथ, मैं हमेशा बोलती हूँ सिंगल रोड पे अच्छे से गाड़ी चलाओ, एकदम भगाओ मत। देखिए बहुत सारे जनों की आदत होती है सिंगल रोड पे अच्छे से गाड़ी चलाओ, क्योंकि देखो गाड़ी आप चला रहे हो, मालिक से मतलब नहीं, मालिक आपका, एक बार मालिक आपका 7 लाख भरने को देखेगा कि आपकी उसकी गाड़ी से हुआ, लेकिन तो भी वो गलती आपको देगा कि आपको मना कर रहे हो तो भी आप ऐसे चला रहे हो। 7 लाख तो भरेगा लेकिन 10 साल की सजा से कैसे बचाएगा आपको, ये बताओ। ये काले कानून के लिए पूरी पब्लिक अभी एक नहीं हो रही है और इसकी सजा सबको मिलेगी। अभी पता है आपको, रास्ते पे ट्रक ड्राइवर खड़े हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, सारे न्यूज़ वाले सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर में 22 तारीख को कैसे राम मंदिर में सब मंदिरों में दिया जलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, बस उसकी तैयारी चालू है। लेकिन जो यहाँ पे लोगों के हालात चल रहे हैं उनके साथ कुछ भी तैयारी नहीं है। 20 तारीख को हमारे झंगारे पाटिल जी मुंबई आने वाले हैं, उनके आने का उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो होता है होने दो, देखा जाएगा, बस ये बात है। और कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है। मैं एक बात बताऊँ, मैं देखो ना कभी किसी के फैमिली के बीच में नहीं जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहे, खुश रहे, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ लोग जबरदस्ती जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें लोगों को बता के हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में गलतफहमी डालने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी गलतफहमी की वजह से किसी का परिवार टूट सकता है। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा परिवार है, अगर आप सोचो कि तुम्हारे घर का परिवार पूरी तरह से टूट गया तो क्या होएगा। तो आज विद्या देवी स्पेशल पूजा उसी के लिए करेगी, और जो लोग मुझसे पूजा कराना चाहते हैं ना, सीधी बात है, भरोसा है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे मैसेज नहीं करने का। नहीं तो एक बात याद रखना, जो इस तरह से मैसेज करेगा ना, मैंने ऑलरेडी सुल्तान को छोड़ के रखा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ ही जो होना रहेगा वो गलत आपके साथ हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ेगा, आप वहाँ से आप यूट्यूब का वीडियो देख के आप बैठे बैठे मेरा मजाक उड़ाएंगे, पता चला शाम तक आपका 1,00,000 रुपये का नुकसान होगा। सरकार क्या बोलते हैं, पेपर साइन करती है और कानून लागू करती है, विद्या देवी कानून लागू नहीं करती, विद्या देवी यहाँ से बैठे बैठे ऐसी पूजा करके रखी है कि अभी आप मेरे बारे में गलत सोचोगे, मेरे परिवार के बारे में गलत सोचोगे, आपको 24 घंटा भी नहीं बीतेगा आपका 5,00,000-10,00,000 खर्चा हो चुका रहेगा। मैंने क्या बोला आपको, जो भी जितने भी ड्राइवर लोग ने, जिसने भी मेरे साथ अभी बीच में हाला में जो भी काम करने वालों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है या इस तरह से अपना ढीठपन दिखाया है, आने वाले 20 तारीख तक भले उन्होंने मुझसे 50,000 क्यों ना कमाए हो, आने वाले 20 तारीख तक उनका 5,00,000 रुपये उनके दबे में जाएगा, उनके घर में वो होएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा,
ऐसी बात है। और जिस तरह से आप लोग दूसरों के परिवार में गलत सहमी पैदा करके अपने आप को अच्छा बनाते हो ना, मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे घर में वही भूकंप आता है तो तुम लोग क्या करते हो। ये बात मैं करके दिखाऊंगी और 20 तारीख के अंदर करके दिखाऊंगी। मैंने काम तो 3 अमावस्या का कर दिया। कुछ एकाक जन का नाम बाघ जाली में डालना भूल गई थी, आज वो नाम भी वहाँ पहुँच जाएगा, फिर मज़ा देखो क्या होता है। एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ होगा क्योंकि बहुत लोगों को शौक है कि अगर किसी के परिवार में मन में झगड़ा झंझट हो या कुछ हो अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी बातें होती नहीं है। लेकिन इतना समझ लो, विद्या देवी को सब कुछ संभालने आता है। अभी मैंने सिर्फ अपने एक टारगेट पकड़ के रखा है कि मुझे अपना काम पे ध्यान देना है। इस वक्त देश को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो होने वाला है 2024 के पहले जो लोगों का ढीठपन है वो ख़त्म करना है, और मैंने जो कहा है वो करना है। बाकी लोगों पे मुझे ध्यान देना है। बाकी लोगों के लिए आज मैं स्पेशल पूजा ये करूँगी कि माँ काली के नाम पे 10,000 जप किया जाएगा, और 10,000 जप के हिसाब से जितनी भी लौंग होगी उन लौंग की माला चढ़ा के मैं माँ काली को लौंग की माला चढ़ाऊंगी, और 108 नींबू का हार चढ़ाऊंगी, और सब कुछ माँ काली पे छोड़ दूंगी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, परसों मंडे, तीनों दिन शनि का ही दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। जितनी राशियाँ खराब है, अगर उतनी राशियों को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया विद्या देवी, तो नाम बदल देना बस। जय माता दी।